अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टार्टिंग फ्रॉम लेसन नंबर 3। आवर टॉपिक इज अलकत्ता। व्हाट इज अलकत्ता? द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व द प्रॉब्लम इज कॉल्ड अलकत्ता। इन अदर वर्ड्स, हम अलगोरिथम को कुछ इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि इन्फिनिट सेट्स ऑफ स्टेप टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम इज कॉल्ड अलकत्ता। इसकी दूसरी डेफिनेशन आप ये भी कर सकते हैं। सो एल्गोरिथम को समझने के लिए हम इस एग्जांपल को समझ लेते हैं। इस एग्जांपल में हम देखते हैं कि हमने एक एल्गोरिथम पेपर के ऊपर लिखा। एल्गोरिथम मोस्टली हम लोग एक पेपर वर्क के ऊपर काम करके, मतलब पेपर के ऊपर जो लिखकर उसको, उसकी एक डॉक्यूमेंट बनाकर प्रॉपर, फिर उसके बाद देन उसके ऊपर आगे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। अब एक छोटा सा एल्गोरिथम है जिसके अंदर हम जैसे एक चाय बनाने का जो है वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर देखेंगे। इसमें हमने स्टार्ट किया, ठीक है, इसके बाद हमने एक कैटल ली, कैटल के अंदर हमने जो है वो पानी के साथ उसको फिल किया, इसके बाद उसको चूल्हे के ऊपर रखते और उसको बॉयल होने का इंतज़ार करते हैं। उसके बाद भी जब हम देखते हैं कि पानी बॉयल होने लगा है तो हम उसके अंदर कुछ पत्ती, चाय की जो पत्ती जिसे कहते हैं टी ग्रेन्स कहते हैं, वो उसके अंदर हम डाल देते हैं। उसके बाद जब हम देखते हैं कि जब इसका कलर टर्न होता है डार्क ब्राउन की तरफ, डार्क ब्राउन कलर अपीयर होता है, तो हम क्या करते हैं उसको चूल्हे से हटा सकते हैं। तो ये जो स्टेप्स है इसके अंदर हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हमने जो है वो एक चाय को बनाया और उसका प्रोसीजर क्या था उसको बनाने का। सो एल्गोरिथम जो है ये किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है और ये सबसे आसान सेट्स ऑफ स्टेप्स हैं जिनकी मदद से आप किसी भी कंप्यूटर के प्रोग्राम को डिज़ाइन कर सकते हैं। हमेशा कंप्यूटर का प्रोग्राम बनाने से पहले हम लोग एल्गोरिथम डिज़ाइन करते हैं। एल्गोरिथम डिज़ाइन करने से आपको यही फ़ायदा होगा कि आप इजीली स्टेप बाय स्टेप तमाम कंप्यूटर प्रोग्राम्स को लेकर चलेंगे और देन इसके बाद फाइनल। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको और बताता चलूँ कि एल्गोरिथम में आप ये भी कर सकते हैं कि आप लोग एल्गोरिथम में दो इनपुट दे सकते हैं नंबर्स को। आपने कहा जी कि इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, आपने एक फर्स्ट नंबर में वेरिएबल में इनपुट ले लिया, इसके बाद सेकंड नंबर एंड इनपुट एंटर सेकंड नंबर, उसके बाद आपने वेरिएबल बी ले लिया उसके लिए, इसके बाद आपने कहा जी सम इक्वल्स ए प्लस बी और देन उसके बाद प्रिंट सम और देन एंड। इस एग्जांपल को आप आगे आने वाले स्टेप्स में देखेंगे जिसमें आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि एल्गोरिथम किस तरह से लिखे जाते हैं और किस तरह से आप उनको ईजिली प्रोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद बात आ जाती है डैश सेकेंड क्या? डैश सेकिंग इज द प्रोसेस ऑफ केयरफुली ऑब्जर्विंग द वर्किंग ऑफ एन एल्गोरिथम ऑन द पेपर। फॉर सम टेस्ट दैट एल्गोरिथम इज प्रोवाइडेड अ वेरिएबल सेट ऑफ इनपुट फॉर विच द आउटपुट इज एग्जामिन्ड। तो यहाँ पर हम बात करें कि डैश सेकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम एल्गोरिथम पे किया गया काम, जो कि हमने पेपर पर एक एल्गोरिथम बनाया था, उसको हम ऑब्जर्व करते हैं, उसको चेक करते हैं। इसके बाद उसमें इनपुट के तौर पे कुछ डाटा वगैरह एंटर कर लेते हैं। उसके अंदर कुछ डाटा एंटर करके हम देखते हैं, टेस्ट करके देखते हैं डाटा को एंटर करके कि क्या वो आपका एल्गोरिथम सही काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल, मैंने इनपुट फर्स्ट नंबर के अंदर जो था वेरिएबल के अंदर, वेरिएबल ए के अंदर हमने 10 इनपुट लिया, फिर उसके अंदर बाकी जो है वो हमने 20 इनपुट लिया, इसके बाद हमने देखा उसने 10 और 20 का आउटपुट हमें 30 दिया। इसका मतलब है कि हमारा एल्गोरिथम सही काम कर रहा। सो एल्गोरिथम को चेक करने के लिए हम कुछ डाटा इस्तेमाल करते हैं, देन उसके बाद हमें यकीन हो जाता है कि ये एल्गोरिथम हमारा सही है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बेसिकली डैश चेकिंग एल्गोरिथम को प्रॉपर करने के लिए, उसको करेक्ट करने के लिए, उसको यकीनी बनाने के लिए कि हाँ ये एल्गोरिथम आगे जाके काम करेगा, उस पर्पज़ के लिए हम लोग डैश चेकिंग के प्रोसेस से गुजरते हैं। तो ये वो प्रोसेस होता है जो एल्गोरिथम को चेक करता है, जिसके अंदर एल्गोरिथम को चेकिंग होती है, उसके अंदर कुछ डाटा को, टेस्ट डाटा को चेक करना। इसी कुछ एग्जांपल्स हम आगे जाके करने वाले हैं और इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से आपका डैश चेकिंग का प्रोसेस परफॉर्म किया। आज के लिए इतना ही, गुड लक।